हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम नामिका दहिया। वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आवर टुडेस टॉपिक इज लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग पाठ्य योजना क्या होती है, हमें लेसन प्लान क्यों करने चाहिए, प्लानिंग क्या होती है ओवरऑल। देखो, किसी भी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोसीजर को सक्सेसफुल करने के लिए हमें उसे बेटरली प्लान करना चाहिए। तो सक्सेस के चांसेस हमारे तभी अच्छे होते हैं जब हम उस चीज को प्लान कर लेते हैं। प्लानिंग का मतलब है उसके अंदर हमें क्या फिजिकल एफर्ट लगाने हैं। प्लानिंग करते हुए आप पूरे मेंटल एफर्ट्स लगा लेते हो और इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या लेके चलोगे, दैट इज नोन एज प्लानिंग। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज टू मेक आवर यील्ड वेरी बेटर। हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो यील्ड है वो अच्छी मिल जाए, हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाए। सो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस फॉर द प्रोजेक्ट। हमें किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए प्लान करना चाहिए, उसके अंदर हमारे फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़े होने चाहिए। एंड टीचिंग की बात करूँ तो तीन टाइप की प्लानिंग होती है, कौन कौन सी, ईयरली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और डेली लेसन प्लानिंग। सो फर्स्ट है हमारा ईयरली प्लानिंग, द लेसन प्लानिंग विच इज डिपेंड्स ऑन द ईयर प्लानिंग, दैट इज नोन एज आर ईयर प्लानिंग, जिसके अंदर आप पूरे साल की टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि आपको साल में पूरे साल में किस डेट पे कौन से मंथ में कौन सा कार्य करना है। सो इट इज अ टर्म और सिलेबस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मंथ वाइज होता है। मंथली सिलेबस इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वीकली, और वीकली जो है आगे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डेली के लिए। ईयरली प्लानिंग में मैथ्स टीचिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास बेस्ड अपॉन किन किन चीजों पे रहेगी, आपका सिलेबस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे किसी को, आपको कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट क्या बढ़ाना है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को क्या करने हैं और आपके पास एनवायरमेंट में रिसोर्सेज क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो ईयरली प्लानिंग वो होती है जब आप पूरे ईयर की प्लानिंग करते हो। टर्म वाइज हो सकती है ये और सिलेबस वाइज हो सकती है। इसमें चीजें क्या क्या ध्यान रखोगे, आपका सिलेबस ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए और अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, इनका ध्यान रखना है। तो देखो ये एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अगस्त सितंबर का हमें कौन कौन सी चीजें करानी है, कितने वीक में क्या क्या काम हो जाएगा और उसके बाद एक्टिविटी क्या सजेस्टेड है, ये भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट प्लानिंग, द होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अ क्लास इज डिवाइडेड इनटू यूनिट। पूरा सिलेबस जो है कुछ यूनिट में डिवाइडेड होता है। जैसे अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो हमारा पूरा सिलेबस किस चीज में डिवाइडेड है, पूरा सिलेबस हमारा डिवाइडेड है पांच यूनिट में। पांच यूनिट्स में भी हमारे चैप्टर डिवाइडेड है। सो ईच यूनिट कंप्राइजेज ऑफ चैप्टर, उनके अंदर चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर्स की बात करूं तो उनके अंदर हमारे पास टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होते हैं। सो जैसे हमारे पास होल नंबर एक यूनिट है, इसके अंदर इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल ये सारे आ जाएंगे। तो नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर है। जैसे ज्योमेट्री के अंदर की बात करूं तो ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये पूरा ज्योमेट्री का पार्ट आ जाएगा। प्रोपोर्शन की बात करूं तो हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द अनदर यूनिट फॉर द रियल लाइफ यूनिट और द रेशो प्रोपोर्शन यूनिट। अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल की बात करूं तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पैरेलल, द परपेंडिकुलर एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ये आ जाएंगे। व्हाइल प्लानिंग फॉर द टीचर यूनिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म वाइज, ऐसे हमारी यूनिट डिवाइडेड होती है कि हमें उस टर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक यूनिट में और उससे ज्यादा यूनिट में। ऐसे प्लान किया जाता है कि सेम टॉपिक एक यूनिट कंटेंट कर ले और यूनिट भी ऐसे मॉनिटर और कलेक्ट की जाती है कि उसके सब यूनिट और सब पार्ट उससे ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर यूनिट प्लानिंग, द यूनिट प्लानिंग मे बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। हमें कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट प्लान करनी है। सबसे पहले तो पूरा सब्जेक्ट जानो। सब्जेक्ट जैसे हमारा क्या हो जाएगा, मैथ्स। टॉपिक कौन से टॉपिक रहेगी उस यूनिट का नाम दे देंगे, कौन सी क्लास के लिए क्लास का नाम, कितने नंबर ऑफ पीरियड जाने चाहिए, ये भी हमारे वहाँ पे गिवन होता है कि आपको ये कौन सा कॉन्सेप्ट कितने नंबर ऑफ पीरियड में पढ़ाना है। टीचिंग एड क्या यूज करोगे, आपका कंटेंट कैसे कवर होगा, सब यूनिट्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है उसके कम्प्लीशन के लिए। देन नंबर ऑफ टाइटल क्या रहेगा कि एक पीरियड में कितना टाइम आप लोगे, टीचर्स की एक्टिविटी क्या रहेंगी, स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी आल्सो गिवन इन दैट यूनिट प्लानिंग, कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ टीचर स्टूडेंट, असाइनमेंट्स क्या दिए जाएंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेटिव एक्टिविटीज कौन सी होंगी एंड इवेल्युएशन लास्ट में कैसे करना है एंड यू कैन गिव द रेफरेंसेस कि ये आपने आइडिया कहाँ से सीखा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डेली लेसन प्लानिंग। अब तक आई थिंक आप डीएलएड सेकंड ईयर में हो गए, आप सब अवेयर हो कि हमें लेसन प्लानिंग बनानी कैसे होती है। सो ईयर प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग बिकॉज वी हैव टू प्लान आर डे टू डे टीचिंग। हमें अपने दिन भर की, मतलब एक एक दिन के टीचिंग को भी प्लान करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारी ईयर प्लानिंग की, तो ईयर प्लान हमारी मंथ में होती है और अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो मंथली प्लानिंग भी आगे जाके हमारी डिवाइड हो जाती है हमारी किस में, वीकली प्लानिंग में।
बट जो डे टू डे टीचिंग की प्लानिंग करी जाती है उसे डेली लेसन प्लान बोलते हैं। इसके अंदर टीचर अपने उस स्पेसिफिक पीरियड में जाके क्या पढ़ाने वाला है, कितना पढ़ाने वाला है, कौन सी मेथड लेके चलेगा, कैसी इवेल्यूएशन टेक्निक लेके चलेगा, सो व्हाई टू टीच, ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू टीच, कंटेंट, हाउ टू टीच, मेथड्स एंड हाउ टू चेक द नॉलेज, इट इज इवेल्यूएशन, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी डेली प्लानिंग करते हैं। सो द प्लान इज रिप्रेजेंटेड इन द रिटन फॉर्म, कैसे बनाया जाएगा उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। आइडेंटिफाइंग द डाटा, पहले डाटा देखो कि आपको पढ़ाना क्या है, मींस द थोरो नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, आप लेसन प्लान का नंबर दोगे, इसके साथ साथ आपको क्या क्या बताना है, सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास कौन सी है, टॉपिक आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, उसके बाद ड्यूरेशन आप कितने लोगे, 30 से 40 मिनट कितने का आपका पीरियड है। देन आते हमारे ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या ले रहे हो। देन आते हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, एंड इन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, टिल देन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर, जब तक बच्चे आंसर देना बंद नहीं कर देंगे तब तक हम वो क्वेश्चन वी कैन गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। इसके बाद आती है हमारी इंट्रो, हमें अपना जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है अपने चैप्टर की, एंड देन एम अनाउंस कर देना है कि हम ये क्यों करने वाले हैं। यहीं पे इंट्रोडक्शन में आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर सकते हो। नेक्स्ट हमें पूरा जो है प्रेजेंटेशन करनी है, एंड लास्ट में आपको बताना है कि आप क्या जनरलाइज कर सकते हो, एप्लीकेशन बताने की, बेटा अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो। देन वी हैव टू रिकैप्चुलेट आवर लेसन प्लान, एंड लास्ट में हमें बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कर देना है। अगर मैं लेसन प्लानिंग की आपसे बात करूं तो हम नॉर्मली कैसे बनाते, ऊपर हम इनिशियल्स लिखते हैं अपने किसी भी लेसन प्लानिंग के, कि कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सी क्लास का है, टाइम क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज आल्सो डिवाइडेड इनटू जर्नल एंड स्पेसिफिक। इसके बाद हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे जो भी टीएलएम आ जाएंगे, मेनली हम चॉक बोर्ड डस्टर तो जरूर यूज करते ही करते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पीकेटी करते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, एटलीस्ट 5 तो हम पूछते ही हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे जब बच्चे नो आंसर हो जाते हैं, हम यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देते हैं। देन वी हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद हम रिकैप करते हैं, एंड रिकैप करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द होमवर्क फॉर द स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान करने के फायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारा एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द टीचर, टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड द इम्प्रोविजेशन, मतलब हमारी जो भी रेप्लीकेशंस वगैरह हो रही हैं या जो भी डिफिकल्टी आती है हमें, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। द क्लास इज क्लियर एंड स्टूडेंट लर्न मोर, जब आपके पास थोरो नॉलेज होगी तो आप भी बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाओगे और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। एनी टीचर शुड हैव अ लेसन प्लान, सबके पास एक लेसन प्लान होना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग सम एक्टिविटी, आपका गोल, आपके असेसमेंट ऑन टाइम होता ही होता है। सो लेसन प्लानिंग इफेक्टिव टीचिंग जाएगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ एम जो भी है वो आप रियलाइज कर लोगे, प्लान ऑफ एक्शन आप अकॉर्डिंगली करोगे, स्पेसिफिक मीन्स का यूज करोगे आप, एंड विजुअल इमेजिनेशन हम ज्यादा करेंगे। और टीचर की एफिशिएंसी एंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपने लेसन प्लान कैसे बनाया है। और जब भी आप लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हो तो टीचर की नॉलेज एंड एफिशिएंसी भी बढ़िया हो रही है, और इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट भी अच्छा जा रहा है। हम अपनी आउटकम अचीव कर लेंगे, टीचिंग लर्निंग एड्स अच्छे से यूज कर सकते हैं, टीचिंग अकॉर्डिंग टू एज एंड मेंटल लेवल कराएंगे, और अच्छे लेसन प्लान जो है हमारे टीचर प्रोफेशन को अलाइव और इंटरेस्टिंग बना के रखता है। सो लेसन प्लानिंग क्या थी, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप कैसे कैसे करा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एम ऑब्जेक्टिव सारी चीजें हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक अच्छी लेसन प्लान की क्या है, एक्टिव लर्निंग, बच्चे जो है पैसिव लर्निंग ना करें, वो ग्रुप वर्क करें, आंसर करते रहें, डिस्कशन करते रहे, क्वेश्चन सेशन चलता रहे, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता हो आपको, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइडेड हो और आपका कंटेंट भी ऐसा हो जो बच्चों को इंगेज करे और इंटरेस्टिंग हो और डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर अ गुड लेसन प्लान, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, ऐसे कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं या क्राइटेरिया हैं जो एक अच्छे लेसन प्लान के मानदंड है, मतलब एज लेसन प्लान को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव दोनों गिवन होने चाहिए, चाहे वो जर्नल है चाहे स्पेसिफिक है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्रीवियस टास्क उससे जुड़े हों, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हमारा वेल सिलेक्टेड हो। एक अच्छा लेसन प्लान उसे ही बोला जाएगा जो लर्नर्स को भी एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाए। इट मस्ट बी इंडिकेट द टीचिंग टेक्निक टू बी यूज बाय द टीचर, टीचर को कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक यूज करनी है उसका ध्यान दिया जाए, एपरेटस क्या यूज करने हैं आपको ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो भी ध्यान रखा जाए, और आपके इवेल्युएशन में रिकैप करते हुए जो प्रॉब्लम आई है उसको आप दोबारा से रिवाइज करा के खत्म करो, एंड अगर बच्चे आपको क्रिटिसिजम दे रहे हैं देन यू हैव टू इम्प्रूव योर लेसन प्लान। ठीक है,
सो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे यूनिट प्लान क्या होते हैं, ईयर प्लान क्या होते हैं और लेसन प्लान क्या होता है. एंड लेसन प्लान इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसका फॉर्मेट भी क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके एक्सटर्नल एग्जाम में एंड इंटरनल ऑल्सो आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द लेसन प्लानिंग, डेवलप अ लेसन प्लान फॉर द क्लास 6th और 7th ऑफ मैथ्स. ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट लेसन प्लान ऑन टाइम. तो एक टॉपिक दो टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करके रखो कि अगर आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो देन यू कैन इजिली राइट दैट लेसन प्लान इन योर आंसर सीट. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, कीप गोइंग कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. बाय, टेक केयर.